श्रीकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है। कनाडा के मिनिस्टर पोसिनियो जी ने, जो एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा के मिनिस्टर हैं, उन्होंने न्यू मेजर लेके आए हैं। LMI में रूल चेंज कर दिया, क्योंकि LMI फ्रॉड बहुत हो रहा है और उसका मिस यूज हो रहा है, जिसमें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जो कनाडा में आ रहे हैं, इस प्रोग्राम का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और LMI जो है काफ़ी बिक रही थी, तो काफ़ी जो है इसमें फ्रॉड भी हो रहा है और इसको मिसयूज भी हो रहा है। तो कनाडा इमिग्रेशन और कनाडा एम्प्लॉयमेंट सोशल डिपार्टमेंट को ये चीज़ की शिकायतें आ रही थी कि इसका मिसयूज हो रहा है। तो कनाडा ने काफ़ी इसमें जो LMI में रूल चेंज कर दिए हैं, अनाउंसमेंट हुई है रिसेंटली वीक में। तो क्या रूल चेंज हुए हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि LMI जो है, काफ़ी जो कनाडा में एम्प्लॉयर थे वो फॉरेन वर्कर को बुलाते थे पैसे उनसे लेते थे, फॉरेन वर्कर से काफ़ी हैवी डिमांड्स करते थे और LMI बिकती थी। तो अब वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी स्टिकनेस LMI में आ गई है। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर में काफ़ी चेंजेस करे रिसेंटली ईयर्स में, काफ़ी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर कनाडा में आए भी हैं जो काम भी कर रहे हैं। अब कनाडा इसमें कैप सिस्टम लगा रही है। सपोज करो एक कंपनी को, एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है और उसको 10 वर्कर चाहिए, तो वो 8 वर्कर जो है वो कनाडा के लेगी और 2 वर्कर फॉरेन के लेगी। तो ये 20% कैप सिस्टम टेम्परेरी फॉरेन वर्कर में लग गई है। और दूसरा ये है, LMI जो कंपनी LMI ओवर हाई रिस्क पर बेच रही थी, LMI का प्रोसेस करती थी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट का, अब उन पर इंस्पेक्शन होगी हर कंपनी पर कि इसे LMI अप्रूव हो या ना हो। ये LMI जो है वो सही हाथों में दी जा रही है कि नहीं, या गलत हाथों में LMI प्रोवाइड हो रही है, जिस उस चीज़ की अब इंस्पेक्शन करेगी गवर्नमेंट और हर कंपनी की जो LMI। और लो वेजेस की LMI बंद हो चुकी हैं, अब हाई वेजेस की LMI इशू होंगी एम्प्लॉयमेंट सोशल कनाडा डिपार्टमेंट से, और LMI की जो फीस है वो इंक्रीज होने वाली है। अब जो $1,000 की LMI हम सबमिट कराया करते थे एम्प्लॉयर फॉरेन वर्कर के लिए, अब वो आने वाले टाइम में उसकी फीस इंक्रीज हो रही है। और दूसरा चौथा चेंजेस है कि अब ये भी देखे जाएगा जो LMI एम्प्लॉयर दे रहा है वो एलिजिबल है कि नहीं, वो LMI प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं, उसकी सारी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी। अगर वो LMI दे सकता है तब वो LMI फॉरेन वर्कर को दे सकता है। ये चीज़ें करने का मतलब ये है, ये रूल एंड रेगुलेशन करने का मतलब ये है कि काफ़ी फ्रॉड से जो फॉरेन वर्कर बचे, और जो फीस इंक्रीज होगी वो कनाडा गवर्नमेंट को मिलेगी। इससे काफ़ी स्टिकनेस होने से काफ़ी जो है मिसयूज बंद होगा और सही LMI मिलेगी वर्कर्स को और वो कनाडा में आ सकते हैं। तो काफ़ी चेंजेस जो है रिसेंटली, अब काफ़ी स्टिकनेस जो है फॉरेन वर्कर्स में करी जा रही हैं। सबसे पहले आपको एक कहूँ कि एक ह्यूमर जो बड़ा फैल रहा है कि LMI बंद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। LMI बंद नहीं हुई, LMI रेगुलर चल रही है। LMI में रूल एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो ऐसा ह्यूमर ना फैलाइए कि LMI बंद हुई। LMI नहीं बंद हुई। तो आने वाले टाइम में भी कनाडा इमिग्रेशन काफ़ी चेंज करने वाला है। LMI की क्या फीस होगी वो इस चैनल पर आपके साथ शेयर करी जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।